भाई ऑनलाइन भास्कर देखने वाले सारे दर्शकों ने बहुत गणी गणी राम राम। आज बुआणी खेड़ा हलका के पूर्व विधायक और कांग्रेसी नेता रामकिशन फौजी ने बुआणी खेड़ा हलका के 10 से 12 गांव में जनसभाओं को संबोधित किया और 4 तारीख को धनाणा गांव में होने वाली दीपेंद्र हुड्डा की रैली में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचने और उनका साथ देने का अनुरोध किया। और रामकिशन फौजी ने गांव वालों से कहा कि इस कुशासन को उखाड़ फेंकने में हमारा समर्थन करें और आने वाले इलेक्शन में कांग्रेस को विजयी बनाएं। और घुसखाने के मेरे सभी पिता बुजुर्गों, भाई और मित्रों, आज जो है मैं एक आपके बीच में संदेश लेके आया हूं। ऐसा संदेश लेके आया, सब आप उसको स्वीकार करना। 4 तारीख 3 बजे हमारे सबके लाडले भाई दीपेंद्र हुड्डा जी धरना में आओगे और उसका नोता देना आओगे। स्वीकार है। और हमने जो नजदीक के काम है, जो धरना के धनाड़ा के बाद में घुसकाने के बाद में सीधा रोड धनाड़ा जावा है और धनाड़ा जावा में सीधा जमा एक गांव के साथ काम है। तो नजदीक के जो गांव है हमने ट्रैक्टर की ड्यूटी लाई है यह रैली। और भाई 8 महीने 9 महीने रह गए इलेक्शन के। 9 महीने के बाद में मुझे लगता है कि दोनों इलेक्शन इकट्ठे होंगे, लोकसभा के और विधानसभा के। और भाई सरकार बनेगी हुड्डा साहब की, कांग्रेस की, अपनी हिस्सेदारी बनाने खातर सारे इकट्ठे हो। या 9 साल हो गए बीजेपी की सरकार बने और आपका एमएलए बने विधायक जी विश्वंबर जी, गांव में कभी दुख सुख में को नहीं आया। काम की बात तो छोड़ो, आया भाई कभी? तो क्यों आओगे? अरे एमपी साहब है, अरे मैं रोजाना यार मैं क्यों आया तुम लोग? भाई अपने थोड़े कपूत लेगी आपने, अपने पहुंचे थोड़े, कोई नहीं, जो है वो ठीक होया। लोगों ने देख ली सरकार, इनकी भी देख ली, अपनी भी देख ली, दोबारा जब भी तो बढ़ाओगे तारी सरकार ठीक थी। मतलब पेटा बन जाएगा नहीं सबका पेटा, अरे इनका एक पर्ची भी खराब कर दी रे। तो भाइयों यो कट्टर आला देगा या बात ध्यान में रखो, काम में समझाओ। ये राहुल गांधी ने क्या गलती करी थी भाई? राहुल गांधी ने यो जो मुद्दा उठाया था कि देश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, अडानी जो है देश पर कब्जा करने लग रहा है, 2-3 राज्य में कब्जा हो रहा है देश पर, अर्थव्यवस्था खराब हो रही है। तो हम जो मुद्दे उठावेंगे कि हमारा बिजली पानी नहीं आने लग रही, अपने को पानी आओ सिलेंडर का रेट देखो आप, नौकरी जो है वो मिल नहीं रही, और दूसरा जो एक नौकरी थी अपने पास गांव ग्रामीण के लोगों के पास, अगर फौज और फौज भी 4 साल की करती, जो एक्स सर्विस मैन का कोटा मिलता था वो भी बंद। तो भाई या सरकार जितना जल्दी चलता करोगे उतना ही फायदा है। अरे मैं तो लगे रहा करता काम, कितने ड्रेन काटी कितने भी कर लगे रहा करता, कोई अपने यूनिवर्सिटी और कॉलेज मेडिकल कॉलेज दोनों चीज अपन मंजूर कराई थी। डाकुआन डाकू थी भाई, जब ये 3 साल पंचायत फौज में आएगी डाकू अपना करेंगे और करेंगे। बिल्कुल ठीक है यह बात। जब जिसकी 4 साल में उसका घर खराब हो जाएगा, जो नौकरी पैसा वो खत्म हो जाएगा, तो क्या करेगा बच्चा? जब किसान की फसल खत्म हो जा तो कितना रोना पड़ेगा बताओ? और जिसकी नौकरी चले जा, पीटीआई थे हमारे टाइम पे, डीपी थे हमारे टाइम पे, वो सारे रागी मेडिकल कॉलेज अपना सारा खराब कर दिया। अगर तिकट जो प्रेमनगर में बढ़ता तो तेरा घुसखाने का बहुत फायदा होगा। ड्यूटी लगाई है, मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। इसकी बार माहौल बढ़िया है, जन्नू मेरा हो कांग्रेस की 31 सीट आऊंगी
तो कांग्रेस की सरकार बन गई थी, मैं भी जीतू और पांच चार एमएलए अरे भाई जमुना पार वाले यार बन गए और सरकार गलत बन गई। तो आप लोगों ने अपने किसी की बुराई को करनी, अब की बार 70-75 सीट कांग्रेस की आऊंगी। अरे घड़े आओगे भाई, आया करें इलेक्शन के टाइम में उन तो 17 कर लेना। तो मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, आपका सबका धन्यवाद करता हूँ। और भाई नो बताओ कितने आदमी चलोगे? भाई अगर आप लोगों को खबर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और धन्यवाद साथियों।